तो दोस्तों ऋतुराज गायकवाड़ ने छोड़ा चेन्नई सुपर किंग का साथ, इस टीम के साथ खेलेंगे आईपीएल 2025। ऐसे में पूरी तरीके से बदल जाएगी आईपीएल 2025 में सीएसके की टीम, तो पूरी खबर बताएंगे आज के इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप भी ऋतुराज गायकवाड़ को एक बेहतरीन कप्तान मानते हैं तो वीडियो को दिल से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि सीएसके से जुड़ी हर जानकारी आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अपडेट को लेकर बात करें तो वो है ऋतुराज गायकवाड़ को लेकर। यहाँ पर पहले खबर आ रहा था कि ऋषभ पंत चेन्नई सुपर किंग में आने वाले हैं और कप्तान बनने वाले हैं। ऐसे में ऋतुराज गायकवाड़ भी अपना मन बना चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, इस बात से कि ऋतुराज गायकवाड़ बेहद ही नाराज हैं, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ चेन्नई सुपर किंग के कप्तान ऑलरेडी बन चुके हैं। ऐसे में ऋषभ पंत चेन्नई सुपर किंग में आते हैं और उनकी जगह छीनते हैं तो यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। और इसी वजह से चेन्नई सुपर किंग के मैनेजमेंट को भी साफ साफ चेतावनी दे दी है कि अगर ऋषभ पंत चेन्नई सुपर किंग में आते भी हैं तो बतौर कप्तान नहीं, बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज आएंगे। कप्तानी ऋतुराज गायकवाड़ के पास ही रहनी चाहिए, जो मांग है ऋतुराज गायकवाड़ का। ऐसे में सीएसके के मैनेजमेंट भी काफी ज्यादा परेशान है इस बात को लेकर कि आईपीएल 2025 में कौन कप्तान रहेगा, ऋतुराज गायकवाड़ कप्तान रहेंगे या फिर ऋषभ पंत कप्तान होंगे। ऐसे में बड़ी अपडेट यह भी है कि ऋतुराज गायकवाड़ अपनी टीम को चेंज कर सकते हैं और वह केकेआर की टीम को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा ऋषभ पंत को लेकर भी बड़ी अपडेट है कि वह दिल्ली कैपिटल्स को कन्फर्म रूप से छोड़ रहे हैं और सीएसके को ज्वाइन कर रहे हैं। ऐसे में आईपीएल 2025 में सीएसके की टीम से खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। बस ऋतुराज गायकवाड़ का ग्रीन सिग्नल चाहिए, फिर ऋषभ पंत चेन्नई सुपर किंग में आकर वह कप्तानी कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, इन दोनों में से कौन सा खिलाड़ी बेहतर होगा चेन्नई सुपर किंग के कप्तानी के लिए, आप नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। और ऐसे ही सीएसके से जुड़ी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।